नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है गांधीधाम कामाख्या एक्सप्रेस, जो कि वीकली ट्रेन है। गांधीधाम गुजरात से कामाख्या असम के बीच में चलती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों आज की जो ट्रेन की जानकारी की ये वीडियो है वो है गांधीधाम से कामाख्या तक चलने वाली गांधीधाम कामाख्या एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नंबर है 15667। ये जो ट्रेन है गांधीधाम से हर शनिवार को कामाख्या जंक्शन असम के लिए चलती है और 64 घंटे 55 मिनट में अपनी जर्नी जो है गांधीधाम जंक्शन गुजरात से कामाख्या जंक्शन असम तक कवर करती है। इसके तकरीबन 34 स्टेशन्स हैं, 3134 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 48 किलोमीटर पर आवर। हर शनिवार को गांधीधाम जंक्शन गुजरात से ये चलती है और मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन जो है इसे ऑपरेट करता है। LHB कोचेज वाली ट्रेन है। आगे बात करते हैं इसके रूट मैप के बारे में। अगर रूट मैप के बारे में बात करें तो ये जो ट्रेन है गांधीधाम गुजरात से स्टार्ट होती है, फिर मध्य प्रदेश में एंटर करती है, बाद में राजस्थान में एंटर करती है, फिर उत्तर प्रदेश होते हुए ये बिहार पश्चिम बंगाल होते हुए तकरीबन 3134 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके ये कामाख्या जंक्शन असम में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। ये यात्रा को ये 64 घंटे 55 मिनट में कवर करती है। अगर बात करें इसके टिकट किराए के बारे में तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो गांधीधाम से कामाख्या तक का होगा। तो इसका जो टिकट किराया है गांधीधाम से कामाख्या तक का वो है सेकंड एसी का, वो है 3725 रुपये, जिसमें 3497 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, GST चार्ज 178 रुपये है। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच भी हैं। थर्ड एसी का जो गांधीधाम से कामाख्या तक का टोटल किराया है वो है 2525 रुपये, जिसमें 2364 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज 121 रुपये है। टोटल किराया 2525 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास का जो गांधीधाम से कामाख्या तक का जो टोटल किराया है वो है 970 रुपये। इसमें कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता, जिसमें बेस फेयर है 950 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज है 20 रुपये, टोटल चार्जेज जो है वो है 970 रुपये। यह अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में जो है जनरल डिब्बे भी हैं। जनरल डिब्बों का जो टोटल किराया है वो है 610 रुपये, जिसमें 595 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 15 रुपये है। टोटल किराया 610 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहाँ से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो इसके अलावा गांधीधाम कामाख्या एक्सप्रेस में एक पेंट्री कार का कोच भी है, जहाँ से आपको ट्रेन के अंदर ही जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस हैं आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते, आपको ट्रेन के अंदर ही जो है डायरेक्टली फूड जो है परचेज करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आगे बात करेंगे इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में और जान लेंगे गांधीधाम से कामाख्या तक इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं और उन स्टेशन पर इस ट्रेन का क्या स्टॉपेज है। गांधीधाम कामाख्या एक्सप्रेस जो कि गांधीधाम जंक्शन गुजरात से हर शनिवार को दोपहर के 1:15 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और तकरीबन 64 घंटे 55 मिनट बाद यह ट्रेन जो है कामाख्या जंक्शन असम में पहुंचती है। इसके तकरीबन 34 स्टेशन्स हैं। गांधीधाम जंक्शन का स्टेशन कोड है GIMB और 3134 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और 48 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये चलती है। और अगर हम बात करें इस ट्रेन के दूसरे स्टेशन के बारे में तो दूसरा स्टेशन है गुजरात का बचाऊ। बचाऊ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जो है दोपहर के 1:47 पे पहुंचती है और 1:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। वहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। अपने तीसरे स्टेशन समा ख्याली जंक्शन गुजरात में ये ट्रेन जो है दोपहर के 2:04 पे पहुंचती है और 2:06 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 53 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है SIOB। इसके बाद मोरबी रेलवे स्टेशन गुजरात में दोपहर के 3:44 पे पहुंचती है और 3:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। वनखानेर जंक्शन गुजरात में शाम के 4:29 पे पहुंचती है और 4:31 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 172 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। सुरेंद्रनगर जंक्शन गुजरात में ट्रेन जो है शाम के 5:50 पे पहुंचती है और 5:52 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और इसके बाद ये ट्रेन जो है विरंगम जंक्शन गुजरात में शाम के 7:45 पे पहुंचती है और 7:47 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है।
अहमदाबाद जंक्शन गुजरात में ट्रेन जो है रात के 9 बजे पहुंचती है और 9:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 20 मिनट का स्टॉप है, 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है ADI। इसके बाद ये ट्रेन जो है गुजरात के आखिरी स्टेशन वडोदरा जंक्शन गुजरात में रात के 11 बजे पहुंचती है और 11:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 15 मिनट का स्टॉप है, 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। यहाँ पर इसका इंजन रिवर्स होता है और इंजन चेंज भी होता है। मध्य प्रदेश के इकलौते स्टेशन पे ये ट्रेन जो है रतलाम जंक्शन में पहुंचती है। यहाँ पर गांधीधाम कामाख्या एक्सप्रेस जो है रात के 3:15 पर पहुंचती है और 3:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। कोटा जंक्शन राजस्थान में, जो राजस्थान का पहला स्टेशन है इस ट्रेन का, यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 6:25 पर पहुँचती है और 6:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद गांधीधाम कामाख्या एक्सप्रेस जो है वो सवाई माधोपुर जंक्शन राजस्थान में सुबह 7:40 पर पहुंचती है और 7:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1112 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है SWM। इसके बाद बयाना जंक्शन राजस्थान में ये ट्रेन जो है सुबह 10:15 पर पहुंचती है और 10:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर दोपहर के 12:20 पर पहुंचती है और 12:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के दूसरे स्टेशन टुंडला जंक्शन में दोपहर के 2:35 पर पहुंचती है और 2:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। कानपुर सेंट्रल उत्तर प्रदेश में ये ट्रेन जो है शाम के 7:05 पर पहुंचती है और 7:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1594 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर रात के 8:50 पर पहुंचती है और 9:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 25 मिनट का स्टॉप है, इसका स्टेशन कोड है LKO और यहाँ पर इसका इंजन भी चेंज होता है। इसके बाद गांधीधाम कामाख्या एक्सप्रेस जो है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर रात के 11:48 पर पहुंचती है और 11:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1791 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इसका स्टेशन कोड है AYC। इसके बाद ये ट्रेन जो है वाराणसी जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है सुबह 5:40 पर और 5:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 15 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1987 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगलसराय में ये ट्रेन जो है सुबह 7:20 पर पहुंचती है और 7:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और 2007 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बिहार के पहले स्टेशन बक्सर रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है सुबह 8:38 पर पहुंचती है और 8:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और इसके बाद आरा जंक्शन बिहार में ये ट्रेन जो है सुबह 9:25 पर पहुंचती है और 9:27 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है पटना जंक्शन बिहार में सुबह 10:10 पर पहुंचती है और 10:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 2216 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। न्यू बरौनी जंक्शन बिहार में ट्रेन जो है दोपहर के 1:20 पर पहुंचती है और 1:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर इसके बाद गांधीधाम कामाख्या एक्सप्रेस जो है वो बेगूसराय बिहार में पहुंचती है। बेगूसराय बिहार में ये ट्रेन जो है दोपहर के 1:41 पर पहुंचती है और 1:43 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। खगड़िया जंक्शन बिहार में ट्रेन जो है दोपहर के 2:18 पर पहुंचती है और 2:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 2380 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। कटिहार जंक्शन बिहार में शाम के 5:20 पर पहुंचती है और 5:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 15 मिनट का स्टॉप है, 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन पश्चिम बंगाल में ट्रेन जो है रात के 9 बजे पहुंचती है और 9:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, यहाँ पर इसका लोहित एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। 1A या 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और 2707 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। और
न्यू कोच बिहार पश्चिम बंगाल में ट्रेन जो है रात के 10:55 पे पहुंचती है और 11 बजे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 4 या 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2833 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। न्यू अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में रात के 11:40 पे पहुंचती है और 11:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद गांधीधाम कामाख्या एक्सप्रेस जो है वो पश्चिम बंगाल के बाद असम में एंटर करती है। असम के पहले स्टेशन कोकराझार रेलवे स्टेशन पे रात के 12:40 पे पहुंचती है और 12:42 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2930 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद न्यू बंगाईगोंग जंक्शन असम में रात के 2:45 पे पहुंचती है और 2:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1A प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और 2960 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद कामाख्या तक चलने वाली गांधीधाम कामाख्या एक्सप्रेस जो है वो गोलपारा टाउन में पहुंचती है। गोलपारा टाउन असम में सुबह 3:40 के करीब पहुंचती है और 3:41 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद गांधीधाम कामाख्या एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन कामाख्या जंक्शन असम में सुबह 6:10 पे पहुंचती है और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है ये 3135 किलोमीटर के करीब जो है ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ गांधीधाम कामाख्या एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।